मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 20 दिनों में ही 11 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। इससे पेट्रोल 2.51 रुपए महंगा हो चुका है। कंपनियां एक बार में 22 पैसे दाम बढ़ाती हैं। जानकारों का कहना है कि कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की मांग तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में जिस कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनाया जाता है उसके दामों में बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं। ऐसे में अगर तेल कंपनियां मौजूदा रफ्तार से पेट्रोल के दाम बढ़ाती रहीं तो पेट्रोल नए वर्ष यानी कि 2021 से पहले माह जनवरी के दूसरे पखवाड़े में 100 रुपए के पार हो सकता है। एमपी सरकार को लॉकडाउन के कारण पहले 3 माह पेट्रोल अप्रैल से जून के बीच जरूर नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद के हर माह में पेट्रोल डीजल के सरकार की कमाई हर माह औसतन 258 करोड़ रुपए बढ़ी है। डीजल महंगा हो गया है और पेट्रोल महंगा हो गया, इसके कारण लोग परेशान हैं। वो इतनी आमदनी है नहीं, लोग भरवाएं वो भरवा नहीं पाते हैं और चला नहीं पाते हैं। वो सरकार कुछ कर नहीं रही और ना देख रही है। सरकार तो ये कहती है पेट्रोल सस्ता है, लोग गरीब हो गए हैं कोरोना में, इसके कारण पेट्रोल महंगा है। इससे आगे और कुछ कह नहीं सकता। हाँ, सबसे ज़्यादा एमपी में है पेट्रोल महंगा, और कहीं नहीं है महंगा। और गैस भी महंगी है एमपी में, वो गैस में 70 रुपये बढ़ गए हैं। बहुत फर्क पड़ गया है। आने वाले टाइम में 100 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल, आने वाले टाइम में 100 रुपये लीटर हो जाएगा सीधा सीधा। नए साल में 100 ही रुपये ही हो जाएगा। लगी हालत दिख ही रहे हैं, वो लग ही रहे हैं ऐसे बढ़ने के लिए, और कम नहीं होगा, बढ़ी गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र पाराशर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार की तो काफी कमाई भी हो रही है, लेकिन आम लोगों की काफी ज्यादा शिकायतें भी हैं। जी बिल्कुल, इस बात से नकारा नहीं जाएगा कि लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में टैक्स का काफी बढ़े हुए टैक्स को लेकर, और काफी डीजल पेट्रोल के साथ साथ अन्य अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दुगने रेटों पर मिलते हैं। तो वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो यहाँ पर डीजल चोरी जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अधिकांश सीमावर्ती राज्यों से जिले जो आते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ से मजबूरन लोगों को डीजल पेट्रोल या अन्य वस्तुएं लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में डीजल काफी महंगा है। 10 रुपए 15 रुपए तक यहाँ महंगा पड़ता है। इसके चलते कई बार यहाँ पर प्रदेश को टैक्स के लिए जरूर लाभ की बात अगर देखें तो सेंटर में जरूर देखने को मिलती है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए को लेकर काफी चिंता का विषय बना हुआ है, और जिसको लेकर तमाम संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। कि वैसे तो सीएम कई सारी बातें करते हैं आम लोगों के लिए कि उनकी सुविधा के लिए, और हाल ही में कई सारी योजनाएं भी उन्होंने लागू की हैं, लेकिन जो आम जन है, जो कि बेसिक नीड है, उस पर कोई काम नहीं कर रही सरकार। देखिए, तमाम योजनाएं जिस तरह से यानी प्रदेश सरकार द्वारा, सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व में भी योजनाओं का, अभी वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार ने योजना बंद कर दी थी, उन योजनाओं को लेकर अगर बात करें तो क्रियान्वयन जरूर किया जा रहा है, लेकिन निचले स्तर की हम बात करें तो ये योजनाओं का लाभ किसानों को, ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार लंबे तरीके से यहाँ पनप रहा है, और आला अधिकारी भी यहाँ चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर उद्योग का जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाती है, तो उस आरोप के तहत कहीं ना कहीं सही भी माना जा रहा है। चूंकि यहाँ देखने में यह भी आता है कि जो जो आला अधिकारी जिम्मेदार है वह इससे पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, कोई भी आरोप ग्रामीण लगाते हैं। तो देखो, अभी वर्तमान में उमरिया जिले के नौगांव के नायब तहसीलदार ने भी किसानों के मुद्दों को लेकर भी उन्होंने बात उठाई और अपना पूर्व में सेवानिवृत्ति की बात की। तो तमाम मुद्दों पर अगर प्रकाश डालते हैं तो अभी वर्तमान में जिस तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर और कमिश्नरों की जमकर फटकार लगाते नजर आ रहे हैं, और ऐसे मुद्दों पर जहां पर योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर पर नहीं हो रहा, जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा, तो उस पर कार्रवाई की बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि
वर्तमान में नगर पालिका के चुनाव के साथ साथ पंचायत के चुनाव भी नजदीक है और सरकार के लिए निश्चित ही चुनौती होगा, क्योंकि अभी प्रदेश में पलायन की स्थिति जो है बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, चूंकि यहाँ रोजगार का या काफी रोजगार की काफी यहाँ पर अभाव है लोगों के लिए और योजनाओं को लाभ भी नहीं मिल पाता है। छोटी से छोटी चीजों के लिए यहाँ किसानों के लिए भटकना पड़ता है, कोई भी आम रोजमर्रा की जो चीजें वस्तुएं उसके लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और टैक्स की मार मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कई वस्तुओं पर दुगनी देखने में आती है और खासतौर पर अगर डीजल पेट्रोल की हम बात करें तो यहाँ पर किसानों के लिए लगने वाला डीजल, चूंकि मशीनीकरण हो गया आधुनिकरण के चलते किसानी में लंबा यह डीजल पेट्रोल की यह जरूरत किसानों को निश्चित ही पड़ती है और यह टैक्स दुगने से मतलब 2.5 गुने तक यहाँ पेट्रोल डीजल मिल रहा है तो निश्चित ही लंबी मार कोरोना काल में बेहाल है कि अगर जिस तरीके से आगामी चुनाव भी हैं, कुछ स्थानीय चुनाव हैं, ऐसे में जिस जो महंगाई वहां पर बढ़ रही है उसका क्या असर पड़ सकता है सरकार पर? देखिए अगर महंगाई पर हम बात करें तो यहाँ पर साफ है कि अभी वर्तमान में प्रदेश में 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। इस कर्जे से निपटने के लिए योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया गया उन योजनाओं को भी धरातल पर नहीं सही तरीके से भ्रष्टाचार की पेट चढ़ी है। योजनाओं को भी अगर देखें तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी प्राइवेटीकरण की ओर। प्रदेश में कई विभाग कंपनियां प्राइवेटीकरण की ओर जा रही है तो एक चुनौती तो होगी। लंबे समय से बीजेपी की सरकार का कब्जा प्रदेश पर रहा तो यहाँ पर चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन संभलना और यहाँ पर सीएम को जिस तरह से अभी वर्तमान में सख्त अपना रवैया अपनाए हुए हैं तो ऐसा अगर रवैया रहा तो निश्चित ही लाभ होगा। सरकार को समय रहते चेतना होगा, ये चुनाव के पूर्व नहीं उनको पूरे कार्यकाल में अगर देखा जाए तो एक बार जिस तरह से बीजेपी को मौका मिला है कांग्रेस की पूर्व में सरकार होने के बाद, अभी जिस तरह से किसानों के मुद्दों पर ही ये सरकार गिरी थी और कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस विधायक के शामिल होने के बाद यहाँ बीजेपी को फिर मौका मिला है तो एक बड़ी चुनौती होगी और निश्चित ही सख्त रवैया सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपनाना होगा। या मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या रूठे हुए लोगों की बात करें या कांग्रेस से जो लोग सिंधिया समर्थक जो लोग आए उनकी बात करें तो तमाम इन लोगों को मनाना एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि सभी को तो साथ ही साथ में आम जनता का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान को शैलेंद्र शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।